मेरी इस घर में हैसियत एक नौकर की है शाउट चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है <laughs> ए! हम्रा, हम्रा इच्छा होता है कि जिनका हाथ नहीं है उनका हम बहुत सेवा करें एक फिल्मी कैरेक्टर को लेकर आप इतनी जज्बाती हो गई हैं। अगर सचमुच में आपके सामने कोई आदमी आ जाएगा जिसके हाथ नहीं होंगे भाभी जी तो आपका क्या हाल होगा हमें ऐसा खेल खेलूंगा कि अनु मुझसे घर का काम नहीं करवा पाएगी और मैं भाभी जी के हसीन हाथों से खाना खाऊंगा अच्छा आपको भी नहीं पता वो कहा अच्छा, नहीं, नहीं, थैंक यू थैंक यू सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग क्या करूं उसके किसी दोस्त को पता नहीं है कि वो कहा है सुबह से गायब है लो उसका फोन भी स्विच ऑफ है इस आदमी को जरा भी फिक्र नहीं है मेरी माफ कीजिएगा भाभी जी जिस आदमी को आपकी जरा भी फिक्र नहीं है तो जाने दीजिए ना उन्हें गुहिया के खेत में किस लिए मतलब गुहिया के खेत में किस लिए जाएंगे गुहिया छीलने मैंने पूछा किस लिए आए हैं किस लिए आए हैं अब आपकी खैरियत पूछने चले आए भाभी जी अरे क्या खैरियत तिवारी जी मैं परेशान हूं सुबह से विभू का कोई पता नहीं है उसके दोस्तों को फोन किया उनको नहीं पता उसका फोन भी स्विच ऑफ है भाभी जी हमें पता है वो कहाँ होंगे वो तो अपने छिछोरे दोस्त प्रेम चौधरी के साथ गुलफाम कली का पिरोग्राम देखने गए होंगे इसलिए अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा अरे तिवारी जी कभी तो आप अच्छा बोला करिए विभू के बारे में जब देखो तब आप उसकी बुराई करते रहते माफ कीजिएगा भाभी जी ना चाहते हुए मस्तिष्क में जब भी भभूति जी का ख्याल आता है जिवा से अंट शंट निकलने लगता है भाभी जी ले आए इन्हें अरे विमहो तो वो फिर को चले गए थे तुम मैं कितनी फिक्र कर रही थी सुबह से चले गए और तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया कहीं गुलफाम कली का प्रोग्राम देखने तो नहीं गए थे जी नहीं ये दो सांडों का प्रोग्राम देखने गए थे है सांडों का प्रोग्राम देख रहे थे मतलब मतलब ये भाभी जी

एक सांड ने इस हाथ में टक्कर मारी दूसरे सांड ने इनके दूसरे हाथ में टक्कर मारी और दोनों सांडों की टक्कर इतनी तेज थी कि इनके दोनों हाथों की रोशनी चली गई व्हाट आप डॉक्टर हैं या गसयारे हाथ की रोशनी जाती है क्या नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि दोनों हाथों के जान चली गई ओह क्या बात कर रहे हैं आप पीपल अरे क्या हुआ तुम्हारे हाथों को अनु uh, no. मेरे दोनों हाथों दोनों सांडों ने सीन लिएड क्या बोल रहे हो तुम तो? कह दो कह दो कि ये झूठ है कह दो कि तुम तो महसूस हो रहा है <laughs> ये झूठ नहीं है ये कड़वा सच है अनु <laughs> अब मेरे हाथ मेरे नहीं रहे दे डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना मेडिकल साइंस में तो भाभी जी इसका इलाज नजर नहीं आ रहा हाँ तंत्र मत में अगर कुछ हो सकता है तो वो मैं जरूर आपको पता करके बता सकता हूँ <laughs> फिलहाल मैं चलता हूँ क्लिनिक पे जाना है क्या जरूरत थी सांडों के बीच में जाने की हाँ किसने कहा था तुमको मैं गया नहीं था मैं फंस गया जाके वहां पे मुझे क्या पता था कि वो मेरे हंसने से इतना बुरा मान जाएंगे और मुझे में ले लेंगे भाभी जी हम एक वैद्य को जानते हैं अगर आप कहें तो बात चलाए प्लीज प्लीज दिवारी जी प्लीज कुछ कीजिए प्लीज आप ही कीजिए कुछ आप चिंता ना करें हम कुछ करते हैं ठीक है अच्छा <laughs> ओहो इनके तो हाथ ही नहीं है <laughs> एक काम करो बेटा तुम चाय का पानी उबाल लो जब तो चाय का पानी उबलता है तुम सब्जियाँ काट लेना सब्जी छोंक लेना ठीक है और मैंने कुछ कपड़े रखे हैं धोने के लिए बाथरूम में फिर वो धो लेना और सुबह मैं पोछा और झाड़ों लगाना भूल गया था तो प्लीज़ वो लगा लेना एंड रिमेम्बर I'll always love you. अच्छा ठीक है ठीक है मैं सब कुछ कर लूंगी yeah. लेकिन तुम प्लीज अपना हाथ हिलाने की कोशिश करो हां ट्राई ट्राई प्लीज कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा आई ट्राई बेबी बड़ा काम लिया ना नाथों से अब देखना ये yeah. हाथ कैसे yeah. गिन 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 के बदले लेते हैं हेलो बॉयज व्हाट्स अप मजे आ रहे हैं बिना कुछ काम के ऑलराइट hmm? देखना सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा हाथ एकदम ठीक हो जाएगा हाँ देखो अनु, तुम मालिश कर लेकिन मेरे हाथों में जान नहीं आएगी नहीं 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 ऐसा बोलते अनु अब ये हाथ कभी बर्तन नहीं मांज पाएंगे ये हाथ कभी तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी नहीं बना पाएंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी मैं तुम्हारा हाथ ठीक करूंगी तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी मैं मैं तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगी तुम तो मुझे अमेरिका ले जाऊंगी हाँ, मैं तुम्हें अमेरिका लेकर जाऊंगी अनु हाँ। अगर हवाई जहाज में तकनीकी खराबी होने की वजह से अगर हवाई जहाज को पानी में उतरना पड़ा तो ये हाथ तो तैर भी नहीं पाएंगे अनु अगर ऐसा होगा तो मेरे हाथ तुम्हारे हाथ को पकड़कर तुम्हें समुंदर से बाहर निकालेंगे और तुम्हें बाहर कौन निकालेगा मुझे निकालने वाले बहुत आ जाएंगे सही कहा तुमने अगर तुम्हें कोई निकालते निकालते अपने साथ ले गया तो ये हाथ तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे अनु अगर ऐसा होगा तो मैं कराटे में ब्लू बेल्ट जो भी मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा ना मैं उसे सूट अनु इस मारपीट में अगर तुम्हें चोट लग गई तो <laughs> ऐसा मत बोलो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे तुम्हारे हाथ फिर से सारे काम करने लगेंगे <laughs> खानो पोछा बर्तन खाना सब कुछ दोबारा कर सकोगे <laughs> हमारी गृहस्थी बिल्कुल ऐसी बसी रहेगी <laughs> देखना है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा <laughs> उल्टी आ रही है मुझे रोना आ रहा है तुम सोचो हम ओके <laughs> बहुत काम करवाया है ना इन हाथों से अब किन किन के पतले दुख हमरे हाथों में नौ नौ चूड़िया है थोड़ा ठहरो सजन मजबूरिया है हमरे हाथों में अभी जी आपके हाथों में नौ नौ चूड़िया और हमारे हाथों में सिर्फ मजबूरियां ही मजबूरियां हैं हतिया बरबती जी ये का है ये डॉगी की तरह आप दूध का डब्बा मुंह में लेके काहे घूम रहे हमारे दिल का दुख जाना दिल का मसला है पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा आ, का बोले

भाभी जी मैं आपका झुमका नहीं उठाऊंगा हद है ना ही उठाएंगे का काहे ना उठाएंगे जरा दीजिए हमको उठा के दीजिए भाभी जी मैं आपका झुमका नहीं उठाऊंगा हद है भरवती जी ये का बात है हां भभई इतना सा भी काम नहीं कर सकते आप उस तरफ खड़े हैं हमारा झुमका गिरा है मैं आपको कह रही हूं झुमका उठा के दीजिए तो आप ना ही बोल रहे और दीजिए ना भाभी जी प्लीज मैं आपका झुमका नहीं उठाऊंगा लेकिन कहा है झूल कह रहे भाभी जी वक्त के गबर ने मेरे हाथ उससे छीन लिए हैं भाभी जी हाँ दिया गबर ने आपके हाथ भी छीन लिए का एक्चुअली कल मैं चौक पे घूम रहा था आ तो गबर आया था वहाँ नहीं दो सांड आए थे और उन दोनों सांडों में मुठभेड़ हो गई भाभी जी और मैं उनकी चपेट में आ गया और दोनों सांडों ने मेरे दोनों बाजुओं पे इतनी जोर से मारा है कि मेरे बाजू हमेशा हमेशा के लिए सुन हो गए भाभी जी आधिया बरबती जी क्या बात कर रहे हैं आप ये तो बहुत बुरा हो गया जिंदगी ने कितना भद्दा मजाक किया है मेरे साथ भाभी जी अब ये हाथ कभी आपको हाय नहीं बोल पाएंगे ये हाथ आपको कभी बाय नहीं बोल पाएंगे भाभी जी ये हाथ आपसे कभी हाथ नहीं मिला पाएंगे भाभी जी ये हाथ मुझे खाना नहीं खिला पाएंगे और मुक्ति जी नाइ चुप हो जाइए बस बस आप आप घर में आइए अब हम हम अपना चोंका उठा लेते हैं पक्वान ई खा के या चोंका खुद ही उठा लेते हैं भाभी जी हाँ? ये शॉल डाल दीजिए मेरे कंधों पर पक्वान ई खाकर आइए घर पे आइए हमने घर में आइए से आ गए क्या हो गया बुद्धि जी आपके तो हाथ ही नहीं रहे ये तो ऊपर वाले के हाथों का खेल है तो उसने मेरे हाथ छीन लिए भाभी जी अब आपके हाथ नहीं रहे अब आप क्या करेंगे कैसे सारा काम करेंगे वो हाथों तो में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है रहने दो अभी सागर और मीरा मेरे आगे अमीना कौन है ये वो मीना नहीं जो आप सब कह रहे थे अभी जी भूख लगी कुछ खाना वाना खिलाइए भाई हाँ हाँ हम अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं हाँ अभी जी नाश्ता तो आप ले आएंगी लेकिन मैं खाना पाऊंगा आप तो जानती हैं मेरे हाथ एक काम कीजिए आप एक कटोरे में दूध डबल डब्ल्यूटी ले आइए मैं आपसे खा सकूंगा बिना हाथ इस्तेमाल किए आप कुत्ता है क्या आप चिंता ना कीजिए हम हम अपनी अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे हाँ आप बैठिए बैठिए हम आपके लिए अभी नाश्ता ले आते भाभी जी चटनी जरूर लाइएगा चटनी चटने का मुझे बहुत शौक हां बैठिए बैठिए यस यस क्या मजा आएगा यार क्या मजा आएगा भाभी जी जब अपने हाथों से खाना खिलाएंगी मुझे कितने हसीन होंगे वो पल ओ गॉड ओ गॉड काश कि वक्त की सुइयां रुक जाएं थम जाएं ठहर जाएं भाभी जी खिलाती रहे मैं खाता रहूं भाभी जी खिलाती रहे मैं खाता रहूं भाभी जी खिलाते रहें अंगूरी अरे नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई अरे भभूति जी आप भभूति जी किस्मत ने जो खेल आपके हाथों के साथ खेला है उसका हमें सच में बहुत दुख है हाँ तिवारी जी किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है हाँ वो बात तो सही है भभूति जी लेकिन हमें तो यही सोच सोच कर दुख हो रहा है कि बिना हाथों के आप अपना सारा जीवन कैसे गुजारेंगे जी के हाथ है ना है? अनु के हाथ हैं आपके हाथ हैं, भाभी जी के हाथ हैं, मेरे साथ तो बहुत सारे हाथ हैं। हाँ लेकिन अपना हाथ जगन्नाथ होता है मतलब अपना हाथ ईश्वर का हाथ होता है जब अपना हाथ ही अपने साथ ना हो तो चाहे हजारों हाथ साथ होने का दम भरते हो कोई फायदा नहीं है भभूति जी कोई फायदा नहीं है या मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं ये हौसला तोड़ रहे हैं You're trying to sabotage me psychologically. अरे नहीं 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 भबूती जी बिल्कुल नहीं इस मुसीबत की घड़ी में हमारे दोनों दो हाथ आपके साथ हैं आप प्लीज हमें गलत मत समझिए आई लीजिए भरभूती जी खाई हाँ बस भाभी जी खिला दिए फटाफट रखा के हमारे नाश्ता लेकर आओ

अगर आलू कम दीजिएगा प्लीज लीजिए वैसे भभूती जी हम आपको एक सलाह दें दीजिए आप भी शोले के ठाकुर साहब की तरह अपने साथ एक रामलाल का नहीं रख लेते तुम्हारे अच्छा रामलाल मिलेगा कहाँ हाँ ये बात भी सही है वैसे तो हम टिल्लू को आपके पास रखवा सकते थे लेकिन हमारा अनुभव उसके साथ कुछ ठीक नहीं रहा मतलब मतलब ये कि एक बार हमारे हाथों के ऊपर से बैलगाड़ी गुजर गई थी तो हमने टिल्लू की सेवाएं प्राप्त की थी फिर फिर क्या एक बदतमीजी सी कर गया <laughs> टिल्लू का कीजिए। मैं अकेले ही चला जाऊंगा फिल्म देखने बड़ी अच्छी फिल्म लगी है तू दिमाग खराब ना टाइम पास चल रहा है तेरा दूसरा जोड़ीदार बोलू उसके बारे में करवे को लड़कियों से बारा का सो। फिल्म देखने तो मैं भी जा रहा अभी देखने, <laughs> तो देखने वाला हूँ बड़ी जबरदस्त फिल्म है यो। साथ में चलते? लेकिन जी अरे तुम तो टिकट लेकर सामने से घुसोगे ना हाँ बिल्कुल और मैं तो बिना टिकट के पीछे से घुसूंगा ना <laughs> एक नंबर की चिरांद है देते लौंडे है ना जे ससुरो चिरांद नहीं है जे चिरांदी आजम है गो अरे दरोगा जी आपने बिल्कुल सही वैसे कहा वैसे कहाँ से आ रही है सवार की सवारी अरे कहा बताए सक्सेना जी एक बहुत बढ़िया कमाल की फिल्म देख के आ रहे यार ए दरोगा जी अब मोए मालूम है तुम कौन सी फिल्म देख के आ रहे प्यार में लखबो मार गए अरे वाह बिल्कुल सही पहचानी थे <laughs> <laughs> अरे सक्सेना जी यार बड़ी कमाल की फिल्म है अरे हप्पू सिंह जी <laughs> क्या कह रहे थे आप भाभी जी राम राम हा, हा, ठीक है नमस्ते भाभी जी हाय <laughs> हाय वो क्या बोला आपने हप्पू सिंह जी आप कौन सी फिल्म बोल रहे थे प्यार में लकवा मार गया रे गोरी में प्यार में लकवा मार गया रे नैया गयो रे है गो हाँ हाँ जो भी है गया रे गयो रे लेकिन इस फिल्म में ऐसा है क्या अरे गोरी में बड़ी कमाल की फिल्म है जब फिल्म में औरत को जो जो पति है वो ना वाकई हाथन में लकवा मार जाते है फिर क्या होता है फिर का फिर जा औरत ने जो सेवा करी है अपने पति की ऐसी सेवा करी कि बा औरत के पति के हाथ ठीक हो जाते हैं अच्छा गोरी मैम हमने सुनो है कि भैया विभूति के हाथन में लकवा मार गए हैं तब तो भैया कसम से करे आप जब फिल्म जरूर देखो कहा लगी है फिल्म <laughs> गोरी मैम शीश महल में लगी है कल चलते हैं हम आपके साथ हम आ जाएंगे <laughs> नहीं नहीं अब हमारा मतलब जो है कि लौंडा लपाड़ी भीड़ बहुत है हम आपको टिकट दिलवा के लौटाएंगे प्लीज जी, आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं ऐसी फिल्में देखूंगी <laughs> कि मेरे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। ये मेरे घर के सामने आप लोग मंडली जमा कर गप्पे क्या लगा रहे जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर करिए कुछ हाँ हाँ फालतू फुकटिया गोली में, में पेट्रोल तो होता ना तुम्हारे तो स्कूटर में इसमें मिट्टी का तेल डलवा लो अरे हेलो मीनल सुनना मैं क्या कह रही थी कि आज फिल्म देखने चलते अरे बड़ी अच्छी फिल्म लगी है प्यार में लकवा मार गए रे हाँ बहुत अच्छी है यार खिलाती तो है लेकिन इतने छोटे छोटे निवाले खिलाती है कि ना मुंह का होता है ना पेट का होता है और गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है जबकि आई लव गुलाब जामुन और उसने मुझे सिर्फ एक ग्लाडाउन खिलाया जबकि मैं कम से कम छे खाता हूं <laughs> अन्य घर में नहीं है इसका पूरा फायदा उठाऊंगा अच्छा किसी ने क्या खूब कहा है मुंह चले सतरबला टले अच्छा बेटा इसका मतलब ये भबूती जी का बच्चा नाटक कर रहा है इनके कोई हाथों की जान नहीं गई है बल्कि ये भाभी जी को और भाभी जी के साथ साथ हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं भाभी जी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं भभूति जी आपका ये नाटक आपको बहुत भारी पड़ने वाला है